अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गोलगप्पे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ और साथ ही उसके ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह आपके गोलगप्पे फूलेंगे भी और क्रिस्पी भी बनेंगे और नरम नहीं पड़ेंगे। तो गोलगप्पे सबके फेवरेट होते हैं और लॉकडाउन में कोई बाहर जाके खा नहीं पा रहा और बाहर कैसे बने हम सबको नहीं पता, इसलिए घर में बनाएँ और हेल्दी खाएँ। तो गोलगप्पे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक बॉल लेंगे, उसमें हम सबसे पहले एक कप लाल आटा, ब्राउन आटा जो हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो डालेंगे। साथ ही 1/4 कप हम सूजी डालेंगे, सूजी पीसी हुई है, और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मैदा या नॉर्मली हम जो आटा वाइट आटा होता है सफ़ेद आटा लेते हैं 2 टेबल स्पून वो डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हम 1/2 कप यहाँ पे वाटर लेंगे। हमने एकदम सख्त आटा गूंदना है गोलगप्पे बनाने के लिए। अगर हम नरम आटा गूंदेंगे तो हमारे ना गोलगप्पे फूलेंगे और ना वो क्रिस्पी रहेंगे। तो हमने यहाँ पे पानी एक साथ नहीं डालना बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डालकर उसको एक सख्त सा आटा गूंदना है। तो हम इस तरह इसको आटा गूंदेंगे। तो यहाँ हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। देखिए हमारा आटा हम लोगों ने गूंद लिया है आटा, और ये एकदम सख्त आटा है, सॉफ्ट नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने सॉफ्ट आटा नहीं गूंदा, और पानी भी है पूरा 1/2 कप नहीं लगा है सख्त आटा गूंदने में, 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। इसको हम 5 मिनट तक गूंद लेंगे अच्छे तरीके से, गूंदना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ हमारा आटा हो चुका है। अब हम इसको 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको ग्रीस करके कवर करके हम इसको रख देंगे 20 to 25 मिनट के लिए। आप किसी भी कपड़े से इसको ढककर रख सकते हैं जिससे आपको आसानी हो, उससे कवर करके आप इसको 20 to 25 मिनट रख दें। तो यहाँ पर 25 मिनट्स हो चुके हैं। हम अपने आटे को ऑन करेंगे, थोड़ा सा और गूंद लेंगे। आटा ऑयली है लेकिन सख्त है, हमने सख्त ही आटा गूंदना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ सख्त आटा गूंदना है हमने। इसको 2-3 मिनट्स के लिए और गूंदेंगे। अब हम अपनी डो को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके उसको 3 बॉल्स बनाकर रख लेंगे, और 1 by 1 लेकर उसको बेलेंगे। यहाँ पे हमने 3 बॉल्स बना लिए। अब हम एक लेंगे और उसको बेलेंगे पतला सा, क्योंकि अगर हम पतला सा नहीं बेलेंगे तो हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। ये देख सकते हैं आप कि मेरी रोटी बिल्कुल पतली है। अब आप किसी भी कटर से या किसी कैप से आप गोलगप्पे काट लें। इस तरह मैंने यहाँ पे कैप लिया, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गोलगप्पे एक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो ड्राई हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए लाजमी रखना है ताकि आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बने। तो यहाँ हमने ऑयल को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम। हमने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना वरना गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। ऑयल में डालेंगे, आपने जब गोलगप्पा फूलकर ऊपर आए तब चमचा मारना है। अगर आपने पहले ही उसको नीचे से ही करना शुरू कर दिया तो आपका गोलगप्पा नहीं फूलेगा। जब वो फूलकर ऊपर आ रहा होगा तब करना है, और फ्लेम मीडियम टू हाई हो, ना कि इतना तेज़ ऑयल गर्म हो कि आपका गोलगप्पा ही जल जाए डालते ही, और ना इतना वो हो कि आप गोलगप्पे ठंडा कि आपका गोलगप्पा फूले ही नहीं। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है और आप 1 by 1 करके डालते जाएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग पर हैं तो आपको ऐसा टाइम लगेगा इसको करने में, वरना जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप 3-4 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 1 by 1 करके दिखा रही हूँ। और गोलगप्पे डालने के बाद आपने उसको उस टाइम पर चमचा मारना है जब वो फूल कर ऊपर आ रहा हो, उससे पहले आपने डालते ही चमचा नहीं मारना है। और देखिए मेरा ऑयल ना इतना तेज़ गर्म है कि डालते ही वो जल रहा है, ना इतना ठंडा है कि वो पक ही नहीं रहा। तो आपने ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और आप लोगों ने मुझे फिर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में भी बताना होगा कि आपके गोलगप्पे कैसे बने हैं। तो रूल्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। एक और चीज़ का आपने यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि जो आपने 15 मिनट ड्राई होने के लिए अपने गोलगप्पे रखे थे तो जो उसमें ऊपर वाला पोर्शन है आपने उसी पोर्शन को ऊपर की तरफ रखना है, नीचे नहीं करना।
यहाँ हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये जितना हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे 40 गोलगप्पे बनके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ बना लिए हैं और देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। आप गोलगप्पों को स्टोर करके भी रख सकते हैं अप टू 1 वीक, 8 डेज़ के लिए आप इसको रख सकते हैं एयर टाइट जार में। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल ठंडे होने के बाद आपने इसे एयर टाइट जार में रखना है, अदरवाइज़ आपके गोलगप्पे पूरी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 बॉइल्ड पोटैटोस ले लिए थे और उसको मैश कर लिया है। आप यहाँ पे चने भी ले सकते हैं, सफ़ेद चने, लेकिन मुझे अपना टेस्ट चेंज करना था तो मैं ये कर रही हूँ। अब मैं उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर मिक्सड है, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, एंड 1 कप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोया सॉस। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास वेनेगर है तो आप वेनेगर का भी 1 कप डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं डाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे आलूओं के साथ मिक्स हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आप ये बनाएं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हम गोलगप्पों के लिए पानी तैयार करेंगे। ग्राइंडर में हम 1 बंच ऑफ कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे, यानी 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया, और इसमें 1 मुट्ठी भरकर ही मैं पुदीना डालूंगी। 3, 4 या 5, 6 आप जितना आपका टेस्ट, अगर आप इसको ज़्यादा खट्टा रखना चाहते हैं स्पाइसी तो आप इसमें मिर्ची डालते हैं। 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरह से। अब हमने इसमें इमली भिगोकर रखी हुई थी, उसका 1/2 कप पानी डालेंगे, इमली का पानी, ताकि मज़ीद खट्टा लगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर आप पानी ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत खट्टा बनता है। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे, ठंडा होके ये और भी खट्टा लगता है और बहुत मज़े का लगता है, तो इसमें आप आइस क्यूब्स डाल दें। तो देखें कि हमारे गोलगप्पे, आलूओं का पेस्ट और गोलगप्पों का पानी खट्टा सा तैयार है। मुझे यहाँ पे दाल सिर्फ नहीं मिले थे, वरना मैं वो भी आपको दिखाती। लॉकडाउन में कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास है। मैं आपको एक करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा बना है। उम्मीद तो ये कि अच्छा बना होगा। तो ये मैंने भर के रख लिए हैं। मैं इसमें हरी खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल रही हूँ। अगर इमली की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोग के साथ जल्द शेयर करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी। इसको खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है। तो अभी जाएं, किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाकर गोलगप्पे बनाएं। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में ही होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स।